ऐसे और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। लगता है कि साल 2018 इनोवेशन के लिए ही जाना जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस साल इनोवेशन की शुरुआत हुआवे ने अपना 3 कैमरा वाला स्मार्टफोन लॉन्च करके की थी। वहीं उसके बाद वीवो ने भी ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और पॉपअप फ्रंट कैमरा वाला स्मार्टफोन शोकेस किया। यही नहीं, अब ओप्पो भी अपना एक नया इनोवेटिव स्मार्टफोन लेके आ गया है जिसका नाम है फाइंड एक्स। इस फोन की खास बात यह है कि इसके कैमराज हिडन है और स्लाइड होकर बाहर आते हैं जब भी आप फोटो क्लिक करना चाहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ओप्पो फाइंड एक्स में इस इनोवेशन के अलावा क्या क्या खास है। अब सबसे पहले बात करते हैं इस फोन के डिजाइन और डिस्प्ले की। तो इस फोटो को देखकर आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि एक ग्लास बॉडी वाला स्मार्टफोन है। साथ साथ फ्रंट से ये फोन आपको सैमसंग की गैलेक्सी S9 सीरीज की तरह लगेगा। लेकिन हाँ, ये फोन एक ऑल बेजलेस डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है। इसका स्क्रीन साइज है 6.4 इंच, जो कि OLED डिस्प्ले है और फुल HD रेजोल्यूशन के साथ आता है। और इसमें आपको 92.25% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, जो कि वीवो के नेक्स्ट से भी ज़्यादा है। पर इस फोन की जो USP वो ये नहीं है, इस फोन की USP है इसके मोटराइज्ड कैमरा जो कि बॉडी के अंदर छुपे हुए हैं। जैसे ही आप कैमरा को ऑन करेंगे, इसका कैमरा मॉड्यूल पॉपअप होके बाहर आ जाएगा। कंपनी का कहना है ये कैमरा 0.5 सेकंड में बाहर आ जाता है। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि इसमें आपको 3.5mm ऑडियो जैक भी नहीं मिलता और फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं दिया है, जिसे देखकर लगता है कि कंपनी कुछ हद तक एप्पल आईफोन 10 को भी कॉपी कर रही है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें आपको 3D फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम मिलता है। वहीं बात की जाए हार्डवेयर की, तो सबसे पहले मैं आपको इसके कैमरा के बारे में बताता हूँ। इसमें आपको मिलेगा 16+20 मेगापिक्सल का डुअल रे सेंसर और 25 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। कहने का मतलब यह है कि कैमरा वाइज भी ये फ़ोन कुछ कम नहीं। साथ साथ इसमें दिया है क्वालकॉम का टॉप नॉच प्रोसेसर यानी स्नैपड्रैगन 845 चिपसेट, जो कि 8GB रैम के साथ आता है। और इसमें आपको 256GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जिसको आप फर्दर एक्सपैंड भी कर सकते हैं। साथ साथ इसमें दी गई है 3730mAh की बैटरी। ये फ़ोन एंड्रॉयड ओरियो पर चलता है, जिसमें आपको कलर OS की लेयरिंग मिलेगी। यही नहीं, इस फ़ोन की एक और ख़ास बात भी है कि इसमें आपको 5G सपोर्ट मिलता है। अब अंत में बात आती है इस फोन की अवेलेबिलिटी की। फिलहाल ये फ़ोन अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च किया गया है, जिसको सबसे पहले द वर्ज ने कवर किया है। पर हाँ, एक और बात भी कंफर्म हो गई है कि 12 जुलाई को ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में आप देख सकते हैं कि वीवो नेक्स्ट भी बहुत जल्द इंडिया में आने वाला है। तो यहाँ पर अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि जब बात इनोवेशन की आएगी तो आप किसको चूज़ करेंगे, ओप्पो फाइंड एक्स या फिर वीवो नेक्स्ट? प्लीज़ आप ये मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, ताकि हम इस बारे में और भी चर्चा कर सकें। साथ साथ हमेशा की तरह अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड एज यूजुअल, अगर आप हमसे पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो आप इन दी गई आईडी पर जाके हमसे जुड़ सकते हैं। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।